फूड फॉर मूड में आज मैं बनाने वाली हूँ चावल की गुड़ वाली खीर। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, बिल्कुल भी नहीं फटेगी। ये ऐसी ट्रिक बताऊंगी, एकदम बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि सारे अपडेट्स आपको पता चलते रहें। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर दूध, इसे हमें उबालना है। ये फुल फैट मिल्क है तो इससे बहुत अच्छी बनेगी खीर, तो आप फुल फैट मिल्क ही लें, लेकिन अगर ना हो तो आप कोई भी मिल्क ले लें। अब ये मैंने लिया है 1/4 कप चावल, ये छोटी दाने वाली चावल है। अगर ये ना हो तो आप टुकड़े वाले बासमती चावल का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे भिगोकर हमें लगभग 20 मिनट के लिए रख देना है, लेकिन उससे पहले आप इसे 3-4 बार धो लें। अब एक बोल में मैं ले रही हूँ 5 से 6 काजू और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी हम भिगोकर रख लेंगे। ये मैंने लिया है 1/4 कप काजू और 1/4 कप बादाम जिसे मैंने काट कर रख लिया है। दूध में उबाल आ चुका है तो इस तरह से हम एक बार चला लेंगे उसको। अब हम इसमें जो हमने चावल भिगोए थे वो हम डाल देंगे। चावल को डालकर आप एक बार चला लें जिससे कि चावल जो है नीचे जाकर चिपक न जाए। और साथ में मैं डालूंगी काजू और बादाम जो मैंने काट कर रखा था, तो इसे भी मैं चावल के साथ ऐड कर दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से ये भी पक जाए। इसे भी डालकर हम एक बार चला लेंगे और ये जो कड़छी है इसे हम इसी तरह से दूध में डालकर रहने देंगे जिससे कि जो दूध है वो उबल कर बाहर नहीं आएगा। ध्यान रखें कि ये कड़छी का जो हैंडल है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा लंबा होना चाहिए जिससे कि जो हाथ है वो जले ना इसे जब आप पकड़ेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना। अब 1 चम्मच भीगे हुए चावल को हम मिक्सी के जार में ले लेंगे, इसे मैंने बचाया था जो हमने चावल भिगोया था उसमें से। साथ में हम ऐड करेंगे ये जो काजू मैंने भिगोकर रखा था, इसका इस तरह से हमें पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा दरदरा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम खीर को इस तरह से चलाते हुए लगभग हर 5-10 मिनट में हमें इसे चलाते रहना है, तो हम इसे इस तरह से पकने देंगे जब तक कि ये थोड़ा सा चावल जो है पक ना जाए। ऑलमोस्ट 80% चावल आपको पकाना है। और ये देखिए कड़छी डालने से ये जो दूध है वो बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे चलाना नहीं है, क्योंकि चावल तो अभी भी नीचे लगेगा अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो। अब मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ कि चावल कितने पके हैं, तो इस तरह से इसे कड़छी से निकाल कर हाथों की मदद से दबा कर हम चेक कर लेंगे। लगभग 70-80% चावल पक चुका है, अभी के लिए इसे इतना ही पकाना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने काजू और चावल का पेस्ट तैयार करके रखा था वो मैं इसमें डाल दूंगी जिससे कि जो हमारी खीर है वो जल्दी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और टाइम दें और चावल को पूरा पकने दें आप। आंच को हमने पूरे टाइम मीडियम लो रखा है और इसी आंच पे हमें चावल को पूरा पका लेना है। और थोड़ी ही देर में आप जैसे ही आप काजू डालेंगे आप देखेंगे कि चावल जो है वो खीर जो है गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इसकी खुशबू जो है वो खीर के टेस्ट को इन्हेंस कर देगी। इलायची की खुशबू जो है वो खीर के साथ बहुत अच्छी जाती है, तो आप इसे ज़रूर डालें। जब खीर पूरी तरह से पक जाए तो हम गैस को ऑफ कर लेंगे और फिर हम इसमें जो गुड़ है वो ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लगभग 1/4 कप गुड़ लिया है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप थोड़ा इसे बढ़ा सकते हैं। और इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है, हम इसी तरह से ढककर इसे 15 से 20 मिनट के लिए जब तक ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए तब तक ऐसे ही छोड़ देंगे। यही इसकी ट्रिक है कि आपको इसे तुरंत नहीं चलाना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधे घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए भी इसी तरह से छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हम जो ये गुड़ है उसको चला कर अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि खीर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं फटी है। रिजल्ट आपके सामने है और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये खीर कभी भी नहीं फटेगी। बस आप ध्यान दें, अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है तो आप इसे और थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इसको मिक्स करें। और बस ये गर्मा गर्म खीर बनकर तैयार है, लेकिन आप इसे अगर ठंडा खाना चाहते हैं तो फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें और फिर खाएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।